राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा झटका दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ACMM हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, यानी अब उन पर मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा। पिछली सुनवाई में शेखावत के वकील ने गहलोत की अर्जी का विरोध किया था। फुलेरा दी रेलवे कोऑपरेटिव बैंक शाखा फुलेरा के संचालक पद पर उत्तर पश्चिम रेलवे के विष्णु कुमार चौधरी निर्वाचित घोषित किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के प्रत्याशी विष्णु कुमार चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के हमीर सिंह महरिया को 215 मतों से पराजित किया। जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी उषा कपूर सतरंगी ने बताया कि दी रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा फुलेरा के संचालक पद के लिए सोमवार को रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में चुनाव हुए। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा बस्सी कस्बे में पहुंची। नायला कानोता आगरा रोड होते हुए बानेड़ा पहुंची, जिसमें भाजपा के अरुण चतुर्वेदी, कालीचरण सराफ सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। महिलाएं असुरक्षित है, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, जिस किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर है। वो चल रही है, इसके अंदर भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है अरुण सिंह चतुर्वेदी, कालीचरण सराफ सहित अन्य वरिष्ठ जो नेता है भाजपा के, जो यात्रा के अंदर मौजूद है। जो आपको मैं काफिला दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे का जो आप काफिला देख रहे हो, डॉक्टर अजय मीणा का एक काफिला है, जिसने थोड़ी देर पहले बस्ती को करीब 4 घंटे के लिए जाम कर दिया था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखा रहा है, तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो ये काफिला है, करीब 3 किलोमीटर लंबा एक काफिला है। 300 से 400 गाड़ियाँ डॉक्टर अजय मीणा के समर्थकों की यहाँ पर पहुँची है, और हमारे साथ में डॉक्टर अजय मीणा है, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं अजय मीणा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं यात्रा को लेकर? परिवर्तन यात्रा बस्सी में आज प्रवेश की है, युवाओं में जो आप देख सकते हैं इतना जोश है, और युवा जब जोश दिखाता है तो परिवर्तन हमेशा अवश्य होता है। परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है, और आज बस्सी में परिवर्तन यात्रा को लेकर युवाओं में जो जोश है, उत्साह है, वो इस तरीके का है कि 15 साल के बाद में हम फिर से बस्सी में इन युवाओं को साथ जोड़ के, युवाओं का साथ लेके, बुजुर्गों का साथ लेके, माताओं बहनों का साथ लेके हम 15 साल के बाद में बस्सी में कमल खिलाने जा रहे हैं। आज आपको जो हजारों युवाओं का समर्थन मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में इसलिए है कि मैं कई सालों से यहाँ पर सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हमने लंपी में काम किया, हमने कोरोना में काम किया, पर डे हम अस्पताल में लोगों को भोजन कराते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, पक्षियों के लिए परिंदे बांधते हैं, जितनी भी धार्मिक यात्राएं जाते हैं जिनमें हमारी माताएं, बहनें, तमाम युवा लोग जो जाते हैं उनके लिए हम फल वितरण करना, पानी की व्यवस्था मुहिम कराना, उन लोगों की चिकित्सा की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं कि ताकि यात्रा में किसी को असुविधा होती है तो हमारी टीम उनको लेके अस्पताल लेके जाए। हमेशा हम तत्पर बस्सी वासियों के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं, और आज मुझे बिना बुलाए जितने ये युवा हैं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस सेवा कार्य को लेके, मेरे सेवा कार्य इन लोगों को पसंद है, इसलिए सारे का सारा बस्सी के 217 गांव ढाणी ढाणी से तमाम 36 कौम के युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझे मजबूत किया है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान विधायक को तमाम बस्सी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ लोगों ने बहुत अच्छे मतदान करके बहुत अच्छे वोटों से विजय किया, लेकिन लक्ष्मण मीणा जी ने इन लोगों के साथ में जो कुठाराघात किया है, जो तमाम बस्सी वासी है, मतदाता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना अहंकारी है शिव जी के लिए भी कि पुलिस से डर लग जाएगा, कोई भी काम के लिए जाए तो उसके लिए भी डराता है, धमकाता है, कोई अगर निमंत्रण के लिए भी अगर कोई जाता है बस्सी वासी, उनको भी डराता धमकाता है। अब बस्सी वासी समझ गए हैं कि ऐसे अहंकारी का अहंकार निकालने का समय आ गया है, और मैंने 2 महीने के बाद की बात है, जब इलेक्शन होगा तो इस अहंकारी का अहंकार निकालेंगे। पूरी की पूरी बस्सी का युवा पूरे का पूरा जोश में, युवाओं ने उसको जिताया था, युवा ही होश में लेके आएगा। सर विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपको? विकास आप दिख रहा है, एक कैमरामैन से निवेदन करूंगा, एक बार दिखाइए जो बस्सी की जो सड़कें हैं उनके खड्डे आप देखिए। ये सड़क फिलहाल अभी 1 साल पहले बनी थी, पर अगर ये फूटी है तो क्या कारण है? ये 1 साल के अंदर सड़क के 2 बार मरम्मत हो चुकी है, कितना क्या भ्रष्टाचार रहा होगा सर?
विधायक जी ने जितनी भी रोडों का काम करवाया है वहाँ करवाया है, जहाँ पर उनकी पुश्तैनी या खरीदी हुई जमीन है उसके अलावा आप देख सकते हैं रोडों की स्थिति क्या है। बस स्टैंड की स्थिति का आपको पता ही है कि बस स्टैंड पूरे बस्ती का सबसे बड़ा बस स्टैंड, उसकी क्या दुर्गति हो रखी है। वहाँ पर सुअर बैठे हैं, कीचड़ है, कंकड़ है। मेरे को 3-4 दिन पहले लो फ्लोर के बस वाले आए, ज्ञापन दे के गए, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं, मुझको फ़ोन किया, मैंने उन लोगों को आश्वासन नहीं दिया। तत्काल 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर 40-50 कंटेनर डलवा के मरम्मत करवा दी, रोड बनवा। वो तस्वीरें हमने भी दिखाई थी, वो तस्वीरें डीपी की न्यूज़ पे आपने देखा भी था। इन्होंने जो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए वहाँ पर मोरम डलवाई थी। पर बात करूँ सर, इस बार बीजेपी राजस्थान के अंदर कितनी क्या सीटें बांट जाएगी? हम अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ में हम जीत के आ रहे हैं। सर इस बार कांग्रेस बोल रही है कि दोबारा सरकार रिपीट होगी, इस पर क्या कहना चाहता है? कांग्रेस तो झूठे वादे कर रही है। महिलाओं पे सबसे ज्यादा रेप के मामले दर्ज हो रहे हैं, युवा ठगा हुआ है, पेपर आपके लीक हो रहे हैं, एक भी युवा कोई युवा उनको पसंद कर नहीं रहा, युवा ठगा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। आपको फोन बांटने से इनसे थोड़ी ना सरकार में आ जाएंगे। ये जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, जनता तक कोई सुविधाएं कुछ प्रकार की नहीं है। आज एक भी युवा बेरोजगार बैठे, सारे के सारे पेपर आपके आउट हो रहे हैं, आपके मंत्री लिप्त हैं, आपने अपने मंत्रियों को बचा रखा है, आप उनको जेल भेजते और आप कह रहे हो झूठे वादे कर रहे हो कि सरकार रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत आई। बिल्कुल, तो डॉक्टर अजय मीणा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो मोहरम अभी यहाँ इनके डलवाई गई थी बस्ती के अंदर, वहाँ हाल बेहाल थे सड़क के, पर कुछ ही घंटों में इन्होंने सूरत बदल दी है और वास्तव में पेपर लीक हुए हैं ये पूरे प्रदेश को पता है। तो संकल्प यात्रा की जो अजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, ये देखो आज पूरा का पूरा कोरोना के बाद में गाय माता की जो दुर्गति हुई है, लंपी में जो दुर्गति हुई है, MLA गायों की तरफ ध्यान नहीं देता, कितनी सरकारी जमीन पड़ी है। आपको मुस्लिम के लिए शमशान का तो दिख रहा है, जो बस्ती में 1% भी नहीं है, आपको गायों की दुर्दशा नहीं दिख रही? आपने गौशाला नहीं खोल सकते थे, लेकिन आपको उनकी कोई पशु चिकित्सालय खुलाया आपने गायों के लिए? लंपी में आपने एक भी आपका डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। तमाम बस्ती का युवा साथी गायों की उन्होंने सेवा की है, विधायक महोदय ने किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं की, ना कोई सुनवाई की, ना गायों की, ना लोगों की। अहंकार के परे है, चश्मा उतरता नहीं है। इस बार बस्ती की जनता उनका चश्मा उतार के छोड़ेगी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि जिस प्रकार अजय जी ने बताया, वास्तव में इनकी जो टीम थी, हमने खुद ने भी देखा था, इनकी जो टीम थी लंपी के अंदर एक्टिव थी, और आज जब एक परिवार का घर जला था उस वहाँ पे भी इनकी टीम पहुंची और साथ की साथ उस घर को इन्होंने जो चदरी वगैरह लगा के रिपेयरिंग करवाई थी। सर क्या था, लोगों एक परिवार था, परिवार था उनका, इसको सूचना मिली कि भाई पूरे का पूरा परिवार आग लग गई है और उनके राशन का सामान भी नहीं है, उनके फोन दूरभाष की भी किसी से फोन नहीं कर सकते। तत्काल अपनी टीम को पता चला, लोगों ने राशन पहुंचाया, चादर लगवाए, मोबाइल उनको देके गए, उसकी मैंने उन सब लोगों को गोद ले लिया। अब कभी भी उनको आवश्यकता पड़ेगी राशन पाने की तो उनकी जिम्मेदारी मेरी है, मैंने उनकी जिम्मेदारी ली। देखिए, तो मैं मेरे कैमरामैन अशोक के साथ चंद्रमोहन शर्मा, डीपी के न्यूज बस्ती। संकल्प यात्रा बस्ती में पहुंची है, यहाँ पर जो युवाओं का बड़ा हजूम हमें देखने को मिला है, साथ ही हमारे साथ में परिवर्तन जो रथ है उसमें अंदर कालीचंद शराब जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ ये कहना चाहें सर, युवाओं का जो जोश आपकी बार देखने को मिला बस्ती में, क्या कहना चाहें? देखिए, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएँ हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग किसान के कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण आक्रोशित है और उन सब ने ये तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे। और जैसा एक कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने कहा कि इस बार हमारा कुशासन इतना ज़बरदस्त था कि हम एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जितने लोग आते हैं उतने ही जीत करके आएंगे। युवा इसलिए आक्रोशित हैं कि उन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को 2 लाख नौकरियाँ देंगे, 19 परीक्षाएं हुई, भर्ती परीक्षाएं, उसमें से 18 के पेपर लीक हो गए, वो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। वादा किया था कि 3500 रुपया बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, परंतु उस वादे का भी कुछ नहीं हुआ, किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों को कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे। आज प्रदेश में 58 लाख किसान हैं, 1 लाख करोड़ का कर्जा है,
उसमें से केवल और केवल 15,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करके, और फिर ये कहना कि हमने सारा काम कर दिया। किसान इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति महिला उत्पीड़न, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पहले राजस्थान शांत प्रदेशों के रूप में माना जाता था, आज स्थिति यह है कि बलात्कार में नंबर वन, महिला उत्पीड़न में नंबर वन, दलित उत्पीड़न में नंबर वन और अपराधों में नंबर वन। और मैं नहीं कह रहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो इस बात को बता रहा है। 27,000 महिलाओं के साथ बलात्कार, दलित महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अलवर में पति के सामने किस प्रकार से एक दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसको दबाने की कोशिश की गई, और जब ये वीडियो वायरल हो गया उसका, उसके बाद उस पर केस भी दर्ज हुआ और सारी बातें हुई। भाजपा इस बार कितनी सीटें पास जाएगी? भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 150 को क्रॉस करेगी। जिस प्रकार 2013 में 163 सीटें आई थी, उसी प्रकार मुझे लगता है कि इस बार भी और 150 सीटों को क्रॉस करेगी। क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस है दोबारा सरकार रिपीट होने के लिए बोल रही, क्या लगता है? मुंगेरी लाल के असीम सपने कांग्रेस का, जैसा मैंने कहा कि वो दहाई भी पार नहीं कर पाएंगे, दो अक्षरों में भी उनकी सीटें नहीं आएगी, 8 या 9, हम दो हमारे दो, उसमें वो सिमट जाएंगे। ये तो हमारे साथ कालीचंद सराफ जी थे, ये बता रहे थे कि इस बार जो कांग्रेस है दो या दो यानी कि 10-5 सीटों पर सिमट जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा राजस्थान के अंदर कमर खिलाएगी। कैमरामैन नरेंद्र तिवाड़ी के साथ चंद्रमोहन सर। फिर नेत्र गणेश जी से 2 सितंबर को जो परिवर्तन संकल्प रैली आयोजित की गई थी, आज वो रामगढ़ विधानसभा से होती हुई बस्ती विधानसभा क्षेत्र के गीला के नांगर में पहुंची है। अभी रैली रास्ते में, और रैली का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर अरुण चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उस परिवर्तन संकल्प रथ पे सवार होकर के बस्ती में बीच में आ रहे हैं। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और मेरे समर्थक हजारों कार्यकर्ता बस्ती में रैली के स्वागत के लिए आतुर हैं, और ये कार्यकर्ताओं का जोश आने वाले समय में बस्ती विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहाँ के विधायक के कुशासन से, जंगल राज से और भ्रष्टाचार से नाराज है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यह भारी वोटों से आगामी विधानसभा चुनाव में जीतेगी। जिस प्रकार का उत्साह अभी रैली गिला की नांगल में पहुंची और जिस प्रकार का जगह जगह रैली का भव्य स्वागत हजारों की संख्या में स्वागत पॉइंट्स पे हुआ, ये अपने आप में अद्वितीय। कल भी मैंने प्रेस वार्ता में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नीचे तक बूथ शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुख तक है, तो आज ये उसी का प्रभाव है। आज हजारों कार्यकर्ता आप देखें किस प्रकार कार्यकर्ताओं की लाइन इस परिवर्तन संकल्प यात्रा की रैली में लगी हुई है। आप सब मीडिया बंधुओं का भी इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में धन्यवाद देता हूँ। आपके कल निर्देश पर हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, बस्ती में चक्का जाम है, पुलिस का जो असर है वो भी बेअसर नजर आ रहा है, ट्रैफिक बहुत जाम है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, फुल एडिशनल DGP रहे हैं, और उन्होंने जानबूझ करके कि इस यात्रा में अव्यवस्था हो, आम जन को असुविधा हो, और उन्होंने कोई भी पुलिस का बंदोबस्त यहाँ नहीं किया। पुलिस को चाहिए था कि हमने पुलिस से परमिशन ली थी यात्रा की, भारतीय जनता पार्टी ने अनुमति ली थी, विधिवत अनुमति ली थी, पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी चाहिए थी, अतिरिक्त जाब्ता लगाना चाहिए था, ट्रैफिक के कर्मचारी लगाने चाहिए थे, ट्रैफिक वैन्स लगानी चाहिए थे, किंतु यहाँ की पुलिस ने स्थानीय विधायक के सारे पे कुछ भी व्यवस्था नहीं की, जिससे यहाँ आज पूरी रैली के कारण पूरी आमजन जो यहाँ पे आया हुआ है वो उसको यहाँ रैली में पहुँचने में असुविधा हो रही है। हमारा कार्यकर्ता जगह जगह रुका हुआ है, उसका वाहन नहीं निकल पा रहा, ये उनकी साजिश थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वागत में नहीं पहुँचे। मकराना में सेजेन समाज के प्रकाश डोसी ने बताया कि वसुंधरा नगर मकराना में 1008 श्री चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व पर प्रातः प्रथम अभिषेक का सौभाग्य नवीन कुमार, मनीष कुमार शाह, बजाज परिवार, शांति धारा का सौभाग्य संदीप, शशाक्त प्रतीक, अपार गोदा परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ।
कोलायत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोलायत में चमत्कारी गणेश मंदिर में विशेष साज सजावट की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी। बिराई से जाने वाले मीठे पानी की पाइपलाइन पिछले कई दिनों से फटी फूटी पड़ी है, जिससे रोड के पास कई गड्ढे भर गए और सैकड़ों गैलन मीठा पेयजल बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जल एवं स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा रामकी कंपनी को कुटी पाइपलाइन के बारे में अवगत करवाने के बाद भी अधिकारियों के कान से जूं तक नहीं रेंग रही।